बड़ी जानकारी एक बार फिर से आप तक पहुंचा दें। जम्मू कश्मीर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, किश्तवाड़ में क्रैश हुआ है यह हेलीकॉप्टर, जिसमें 3 जवान मौजूद थे। CNN न्यूज 18 के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं न्यूज 18 पर, यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यह हेलीकॉप्टर इसी इलाके में क्रैश हुआ है, वजह क्या कुछ रही है यह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जितने भी जवान इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे सभी जख्मी बताए जा रहे हैं। तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और दूसरा एक और हेलीकॉप्टर सेना का वहां पर पहुंचा है। एक जवान शहीद हो चुका है इस वक्त का ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। 2 जवान अभी भी जख्मी हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन एक जवान के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। इस हादसे में सेना का हेलीकॉप्टर जो कि ये क्रैश हुआ है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाम और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर क्या कुछ वजह रही, कैसे ये क्रैश हुआ, कितने बजे ये हादसा हुआ, लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर यह जानकारी मिल रही है कि कुल 3 जवान इसमें मौजूद थे, 3 जख्मी थे, 3 को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 1 जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। 2 अभी भी अस्पताल में मौजूद है, उनका इलाज जारी है, लेकिन इसके साथ ही सेना के बाकी जवान जो है मौके पर मौजूद है इस वक्त। और न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है किश्तवाड़ इलाके में, जहां पर ये क्रैश हुआ, और जैसे ही ये हादसा हुआ तुरंत आसपास के जितने भी लोग थे जो वहां पर मौके पर पहुंचे और मदद करने की कोशिश करते हुए नजर आए, हालांकि वक्त ना गवाते हुए तुरंत जो है जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया। कोमल इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। कोमल, 1 जवान के शहीद होने की जानकारी है, बाकी 2 के बारे में क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, उन दोनों की हालत गंभीर है। एक ही अभी अभी खबर आई है कि एक जो जवान है वो वहां पर उसकी मौत हो गई है, और जो 2 जवान थे वो उनकी गंभीर हालत में, उनको क्योंकि नीतिका मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हॉस्पिटल बहुत दूर है, अभी तो उनको यहाँ से सिर्फ फर्स्ट एड रास्ते में ही रास्ते में लेके जाया जा रहा है, लेकिन अभी वो अस्पताल पहुंचे नहीं है क्योंकि ये बहुत रोड से, हाईवे से और शहरी इलाके से बहुत दूर का इलाका था, क्योंकि और इतनी बड़ी नदी में चॉपर का गिरना, और बहुत मुश्किल से तस्वीरों में देखे कि कितनी मुश्किल से लोगों ने उनको बाहर निकाला है। लोकल लोगों की मदद से ही ज्यादातर उनको जो मदद मिली है उन्होंने ही वहां पर उनको जख्मी हालत में जो ले जाया जा रहा है। अभी वो हॉस्पिटल पहुंचे नहीं है, लेकिन हालांकि जो सेना के जो बाकी का जो एरिया था उन्होंने फर्स्ट एड देने की उनको पूरी कोशिश की है, लेकिन उनकी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, इस तरह से हेलीकॉप्टर का क्रैश होना किस तरह से हुआ है, क्या कारण है अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन मौके स्थल पे अधिकारी जो है वो पहुंच चुके हैं। दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 1 जवान शहीद है, लेकिन दोनों जो बाकी के जो जवान है उनकी हालत जो बड़ी गंभीर है, अभी वो अस्पताल नहीं पहुंचे। रीतिका, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्को में पुतिन के घर क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद आग बबूला, रूस ने ऐसी धमकी दी है कि पूरी दुनिया में दहशत फैल गई।